ताजा तरीन खबरों के लिए प्राइम न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। मऊ थाना प्रभारी के द्वारा पकड़ा गया 10,000 का इनामी बदमाश लूट की घटना को दिया था अंजाम, पुलिस की सक्रिय रही भूमिका। नमस्कार, मैं खुशबू और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24 सच की आवाज। जानकारी अनुसार मऊ थाना प्रभारी रामबाबू यादव नियम और कायदे के बेहद पाबंद हैं, जो कि मऊ थाने में पदस्थ हुए हैं। जिला पुलिस अधीक्षक मनोज सिंह के निर्देशानुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजीव कंचन, एसटीओपी परमार सिंह मेहरा के मार्गदर्शन में थाना मऊ में अपराध क्रमांक 49/2020 की धारा 394-11-13 MPDP एक्ट में आरोपी फरार चल रहा नगद उर्फ वंश जाटो पिता राम अवतार सिंह जाटो उम्र 25 वर्ष निवासी सुपावली थाना बिजौली जिला ग्वालियर को दिनांक 30/6/2020 को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। आरोपी पर ग्वालियर पुलिस के द्वारा भी लूट करने के संगीन अपराध पंजीबद्ध किए गए हैं। मऊ थाने की सीमा में भी किए गए अपराध की फाइल जब थाना प्रभारी रामबाबू यादव ने पढ़ी तो एक आरक्षण को ही लूट के भागने वाला साथी आरोपी नगद उर्फ वंश प्रताप सिंह जाटो ही निकला, जिसको पकड़ने के लिए जिला पुलिस अधीक्षक के द्वारा 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। जिस आरोपी को मैं अवैध कट्टा 315 बोर कारतूस सहित गिरफ्तार कर लिया गया है। फरार आरोपी से जब पूछताछ की गई तो उसने बिजौली थाना अंतर्गत 2 लूट की घटना को भी स्वीकार किया। आरोपी का एक साथी रामप्रीत गुर्जर निवासी चिमलन का पूरा अभी फरार चल रहा है, जिसकी भी बहुत जल्द गिरफ्तारी होगी। इस कार्यवाही में थाना प्रभारी मऊ राम बाबू सिंह यादव, उप निरीक्षक अभिषेक सिंह, उप निरीक्षक नितेंद्र सिंह, मावई उप निरीक्षक लक्ष्मण किशोर, गुबरेले आरक्षण जहीर मोहम्मद आरक्षण, मोम वीर सिंह, आर कमल, अजय यादव, इशराद अली की अहम भूमिका रही, जिन्होंने लूट करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। ब्यूरो इमरान अली खान की रिपोर्ट।